नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो होगा आंदोलन, प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेताया। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने 15% वृद्धि वाले विकल्प से होने वाले नुकसान के बारे में कर्मचारियों को जागरूक किया है। पूरे तथ्यों सहित आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि कितने कर्मचारियों को किस किस तरह से इस 15% के विकल्प से फायदा होगा या नुकसान होगा। महासंघ ने साफ किया है कि सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो संघर्ष की शुरुआत 20 फरवरी को मंडी से की जाएगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया है कि 15% वाला विकल्प केवल 5,910 के पे बैंड वाले कर्मचारियों को ही फायदा पहुंचा रहा है। यही वह वर्ग है जिसे रिकवरी लग रही थी, लेकिन इस अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने यह भी साफ नहीं किया है कि कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया गया, क्या इनकी रिकवरी माफ की जाएगी या नहीं की जाएगी, जो चिंता का विषय है। सरकार स्पष्ट करे कि 15% के विकल्प से कौन सा कर्मचारी पंजाब से कितना पीछे अभी चल रहा है। कई वर्गों को तो 15% गणना के बाद भी 4,000 से 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। शिक्षक महासंघ ने मांगी पुरानी पेंशन योजना। हिमाचल शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सवर्गों के शिक्षक और कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को लेकर 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। महासंघ ने मांग पत्र को लेकर जल्द बैठक बुलाने की मांग की है। शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शर्मा ने कहा कि नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को पंजाब वेतन आयोग की तर्ज पर अक्षरश लागू किया जाए। भत्तों को भी पंजाब और केंद्र सरकार की तर्ज पर संशोधित किया जाए। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। 4-9-14 का टाइम स्केल बहाल किया जाए। 2 वर्ष का राइडर समाप्त किया जाए। महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि अनुबंध आधार पर नियुक्त 1994 से लेकर 1998 की 8 वर्ष की अनुबंध नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को 8 वर्ष की नियमितीकरण की नीति का लाभ दिया जाए। शिक्षकों को 10 वर्षों से अधिक समय अवधि के बाद नियमित किया गया था तथा इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन सुविधा व अन्य वित्तीय लाभ 8 वर्ष की सेवा अवधि से दिए जाए। शिक्षा विभाग में विगत 24 वर्षों से कार्यरत योग शिक्षकों, प्रवक्ताओं के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को संशोधित कर इन्हें जिला योग अधिकारी, सहायक निदेशक योगा, उप निदेशक योगा के पद पर पदोन्नति दी जाए। कंप्यूटर, वोकेशनल और SMC शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। NTT बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को नीति बनाकर नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाए। नया वेतनमान देने के लिए बिजली बोर्ड ने बनाई कमेटी। राज्य बिजली बोर्ड के करीब 40,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को नया वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी मामले के आकलन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नए वेतनमान को देने के बाद बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, इस पर मंथन करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नया वेतनमान दिए जाने का फैसला लिया जाएगा। कमेटी को 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और बोर्ड के अध्यक्ष RD धीमान ने कमेटी का गठन किया है। आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें।